एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान सो हमारी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो एन सी क्यू सीरीज चल रही हैं उसके लिए हम नेक्स्ट लेचर लेक्चर लेके आए हैं अभी आपका जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था फॉर्म्स ऑफ मार्केट उसी पर कंटिन्यूशन रहेगा एन अदर पेयर ऑफ एन अदर फिफ्टीन पेयर ऑफ एम सी क्यूज ऑन फॉर्म्स ऑफ मार्केट ओके सो बिफोर स्टार्टिंग जो लोग फर, फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पर हमारा जो जे के पी एस आई के हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज दोनों ही चल रहे हैं जिसमें हमारी अच्छा हाई लेवल फैकल्टी जो है आपकी क्लासेस ले रही हैं नेक्स्ट जो है हमारे विंग्स एक उड़ान के एप्लीकेशन पे फाइव फुल लेंथ आपकी जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो आ चुकी हैं जेके पुलिस के लिए जेके पुलिस एसआई के लिए और अगर आप लेना चाहते हैं तो देट आर अवेलेबल जस्ट फॉर रुपीज़ टू फोर्टी नाइन एंड गो फॉर इट डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे ओके सो लेटस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन फर्म कम्पीट्स विद वन एंड अदर विद नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन सो देयर इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन तो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन किस किस में होता है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है आपका मोनोपोलिस्ट्रिक कॉम्पिटिशन में एंड ऑलिगोपोली में ओके सो द राइट आंसर इज ओके द राइट आंसर शुड बी बोथ ए एंड सी बोथ ए एंड सी इज योर राइट आंसर क्योंकि मोनोपोली में तो कॉम्पिटिशन ही नहीं होता देयर इज अ सिंगल सेलर ओके एंड आपका जो रहेगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन Perfect competition, maybe you have no no competition. There is no competition. Non, non, non price competition or price competition, there is nothing because they are homogeneous products. Homogeneous product, there is no competition and it is a price taker. So, your non price competition is monopolistic competition and oligopoly market. Mein, there will be non price competition. Okay. Coming up to the second question. Both monopoly and monopolistic firms have downward sloping curves, but हमने पिछले वाले में देखा था दैट व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ दिस मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है कि दे हैव बोथ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अब दोनों का डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है बट क्या है मोनोपोलिस्टिक डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर देन मोनोपोली डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर देन मोनोपोली डिमांड कर्व मोनोपलिस्टिक डिमांड कर्व इज फ्लैटर एंड मोनोपोली डिमांड कर्व इज चीपर मोनोपलिस्टिक डिमांड कर्व शो हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी एंड देन द कर्व अंडर मोनोपोली सो अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर सेम मोनोप्लिस्टिक डिमांड कर्व फ्लैटर होता है मोनोपोली मोनोपोली uh, से येस yes, फ्लैटर होता है वो मोनोपोलिस्टिक डिमांड का इस फ्लैटर एंड मोनोपोलिक डिमांड का इस स्टीपर यस अगर एक फ्लैटर है तो दूसरा स्टीपर होगा इन कंपेरिजन अगर हम देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो ट्रू मोनोपोलिस्टिक डिमांड का शो हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी देन कर्व अंडर मोनोपोलीस जो मोनोपोलिस्टिक होता है वो हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी शो करता है मोनोपोलिटिक्स मोनोपोलिस दिस सीज ऑल्सो राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द राइट आंसर ओके नाव हमने ये भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि मोनोपली में जो है स्टीपर कर्व होता है लाइक दिस वन एंड मोनोपोलिस्टिक में वी हैव फ्लैटर कर्व लाइक दिस वन वाई सो सॉरी मोनोपोलिस्टिक में वी हैव फ्लैटर कर्व सॉरी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में वी हैव फ्लैटर कर्व एंड मोनोपली में वी हैव स्टीपर कर्व वाई सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में वी हैव क्लोज सब्सटीट्यूट्स एंड मोनोपोली में वी हैव नो सब्स्टिट्यूट

मोनोपोलिस्टिक डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन मोनोपोली डिमांड कर्व बिकॉज ऑफ अच्छा ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बता दिया की मोनोपोलिस्टिक डिमांड कर्व जो होता है वो मोर इलास्टिक होता है मोनोपोली डिमांड कर्व से क्यू बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्जिस्ट इन मोनोपोलिस्टिक नो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ परफेक्ट लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटीबल इन मोनोपोलिटिक मार्केट ऑफ दो वी क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट दैट्स वाई उसका जो डिमांड कव है वो ज्यादा इलास्टिक होता है दैट इज फ्लैटर कव मीन वॉट सी चेंज इन प्राइस का जो इफेक्ट है वो कितना इफेक्ट आता है मान लो यहाँ पे आपका था दिस इज़ क्वान्टिटी ऑर डिमांडिंग दिस इज प्राइस मान लो प्राइस इतना डिक्रीज़ हुआ इतना प्राइस डिक्रीज़ होने से आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ी प्राइस आपका थोड़ा डिक्रीज़ हुआ पर डिमांड आपकी ज़्यादा बढ़ी बिकॉज मे बी दिस गुड इज मे बी दिस गुड इज़ सब्सटीट्यूट अ वेरी गुड सब्सिटीट्यूट टू अन गुड और जैसे इसका प्राइस डिक्रीज़ हुआ हम जो इसका सब्सटिट्यूट था उसको छोड़ के इसको खरीद रहे हैं मान लो दिस इज टी ओके सो अब टी का प्राइस डिक्रीज हुआ तो कॉफी की डिमांड नहीं बढ़ेगी uh, कॉफी की कॉफ़ी की डिमांड भी डिक्रीज होगी क्योंकि टी हमें सस्ती मिल रही है इन कंपैरिजन टू कॉफी विल डिमांड मोर टी सो so, प्राइस थोड़ा सा भी डिक्रीज होने से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा बढ़ गई सो दिस इज द फ्लैटर कर्व एंड इसी का उल्टा होता है हमारा स्टीपर कर्व में लाइक दिस इज योर स्टीपर कर्व अगर प्राइस यहाँ पे है देखो अगर आप चीज़ों को डायग्रामेटिकली इसका कंसेप्ट समझोगे तो दैट विल लास्ट विद यू फॉर एवर राइट

There are few big firms and large number of buyers and each has significant share in market. In video video when I introduced with, with you guys with market. to I told you that there are few big firms and large number of buyers in under which kind of market. Monopoly, perfect competition or oligopoly. So oligopoly market is a kind of a market where we have.

Two firms are producing commodity. Sorry, only there are two firms that are producing commodity. Moving up to next question, question number six. Uh, what are the features of an oligopoly market? So, oligopoly market what features and there? Is a high degree of interdependence. There is a formation of cartels. Formation of cartel is because of high degree of interdependence. Or you can say formation of cartel is because of cutthroat competition. Okay, and then non-price competition. Yes, there is also non-price competition. So, all of the above is the right answer. The features of oligopoly market is high degree of interdependence, formation of cartels, and non-price competition. और भी बहुत फीचर्स होते हैं और भी फीचर्स होते हैं ओलिगोपोली मार्केट के जैसे कि यू हैव एंट्री बैरियर्स देयर आर एंट्री बैरियर्स इन ओलिगोपोली मार्केट देयर इज अ स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स इज़ आल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट एंड एंड वन ऑफ़ द फीचर इज ओलिगोपोली मार्केट दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस द डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली मार्केट इन ओलिगोपोली मार्केट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस द डिमांड कर्व बट सिंस जब हम इकोनॉमी को हाई लेवल पर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑलिकोपोली मार्केट का डिमांड कर्व कैसा होता है अ डिमांड कर्व ओके नेक्स्ट वट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर डिमांड कर्व एंड फर्म्स डिमांड कर्व कंज्यूमर डिमांड कर्व और फर्म के डिमांड कर्व में डिफरेंस क्या है वट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर डिमांड कर्व एंड फर्म्स डिमांड कर्व consumer demand curve is a relationship between price and quantity demanded by an individual buyer or consumer and firm's demand curve shows a relationship between price of commodity and firm's sale and output consumer demand curve is a relationship between price and quantity and uh, price and quantity and firm's demand curve is a relationship between uh, prices and quantity demanded by a firm consumer demand curve is a relationship between price and quantity एंड फर्म्स डिमांड का रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड सेल ऑफ फर्म जीधा थ्री ऑप्शन करके अगर हम देखें तो कंज्यूमर डिमांड रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड क्वानिटी ओके एंड फर्म्स डिमांड का रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड सेल ऑफ फर्म देखो जब हम डिमांड कव की बात करते हैं ना तो डिमांड कव इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड क्वानिटी डिमांडेड नॉट क्वानिटी क्वानिटी शोज ओवरऑल क्वान्टिटी क्या है उस प्रोडक्ट की एंड क्वान्टी डिमांडेड शोज की एक प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस और विद रिस्पेक्ट टू प्राइस उसकी क्या क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज अ क्वांटिटी डिमांडेड सो कंज्यूमर कंज्यूमर्स डिमांड का विद रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी नो इट्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड ओके कंज्यूमर्स डिमांड का विज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी अगेन क्वांटिटी है तो क्वांटिटी डिमांडेड होता है बट सिंस अगर हम नेक्स्ट बने फर्म्स डिमांड का विज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय फर्म नहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि फर्म कितना डिमांड कर रही है वो फर्म्स डिमांड कव होगा नो सो कंज्यूमर डिमांड का विज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर ओके कंज्यूमर डिमांड कव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड फर्म्स डिमांड कव शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड फर्म सेल और आउटपुट कैस फर्म्स डिमांड कॉफ़ क्या होता है फर्म्स डिमांड कॉफ़ होता है फर्म्स डिमांड का हमें बताता है कि एट अ पर्टिकुलर प्राइस फर्म का कितना सेल हुआ या फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है जितना फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करेगी उतना ही फर्म का आउटपुट सेल होगा सो एट अ पर्टिकुलर प्राइस कितना फर्म का आउटपुट सेल हुआ है दैट इज द फर्म्स डिमांड कर्व कंज्यूमर डिमांड कर्व रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड एंड फर्म्स डिमांड कर्व इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड फर्म्स आउटपुट ओके Moving up to next question, uh, why in a perfectly competitive market a firm can't lower price of product and capture the entire market? Okay, one of the feature of competitive market is that there are uh, large number of uh, buyers, right? Large large number of buyers and sellers of the commodity. बट एक और फीचर था परफेक्ट कंपटीशन का जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स टेक एक मिलता जुलता एग्जांपल हमने परफेक्ट कंपटीशन से समझा था कि uh, मिलता जुलता एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन से लेबर मार्केट का हमने लिया लेबर मार्केट कितने ही लेबर uh, मार्केट में जो एक इंडिविजुअल अगर सेलर uh, है सेलर हम बोलेंगे कि जो लेबर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमको द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ लेबर और यू कैन से द जो भी उनका ओनर है द ठेकेदार हु इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विस जो आप तक लेबर प्रोवाइड कर रहा है उसके पास कितने ही लेबर्स होंगे ज्यादा से ज्यादा टेन फिफ्टीन और एक कॉलोनी के होंगे राइट right? एक कॉलोनी के होंगे मीन्स दे हैव स्मॉल शेयर द बायर्स हैव स्मॉल शेयर्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स हैव स्मॉल शेयर इन मार्केट कोई उनका बहुत ज्यादा बड़ा शेयर नहीं होता मार्केट में दे हैव स्मॉल शेयर इन द मार्केट ओके एंड तो प्रोडक्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स जो है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट है कोई प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं होता परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एंड अगर वो अपना प्राइस लो करता है मान लो एक ने प्राइस लो कर दिया दैट एवरी वन इज टेकिंग सेवन हंड्रेड फॉर पर डे एंड ही इज टेकिंग सिक्स हंड्रेड फॉर पर डे इफ एक ठेकेदार अगर छह सौ पर डे ले रहा है बाकी सारे सेवन हंड्रेड ले रहे हैं सारा मार्केट का डिमांड जो है वो इसके पास चला जाएगा बिकॉज डिमांड तो उसी के पास जाएगा जिसका प्राइस कम होगा जैसे इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड सो सारा मार्केट का डिमांड इसके पास चला जाएगा सिंस ही इज अ वेरी स्मॉल बायर और सम्मोल सर्विस प्रोवाइडर उसका मार्केट में कोई इतना ज़्यादा शेयर नहीं है अब वो जब सारा मार्केट का डिमांड उसके पास चला जाएगा ही कांड फुलफिल द मार्केट डिमांड एट दिस रेट वो मार्केट की डिमांड को इस रेट पे फुलफिल नहीं कर सकता वो पूरे मार्केट की डिमांड को कवर अप नहीं कर सकता सो सिंस हीज अ स्मॉल स्मॉल बायर ही कांट फुलफिल द मार्केट डिमांड एट सच लो प्राइज तो अगर वो लो प्राइज करके मार्केट के जो हमारा जो प्रॉफिट है एंटायर मार्केट को कैप्चर करना चाहे तो वो नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास इतनी सर्विस ही नहीं है कि वो प्रोवाइड कर सके ओके okay? uh, सिर्फ होमोजीनियस प्रोडक्ट कंज्यूमर तो लेट्स सी ऑप्शन क्या है हमारे पास होमोजीनियस प्रोडक्ट कंज्यूमर कैन डिमांड फ्रॉम अदर फर्म्स नो 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 वन डिमांड लोअर प्राइस अगर प्राइस लो होगा तो लोग तो डिमांड करेंगे ही करेंगे एज फर्म इज स्मॉल एंड इट कॉन्ट फुलफिल इंटायर मार्केट डिमांड एट लोअर प्राइस ऑप्शन इज राइट आंसर क्योंकि द फर्म इज फर्म का इंफ्लुएंस जो तो है वो बहुत कम है द फर्म इज वेरी स्मॉल अगर वो थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर या नीचे करती है अब ये हमने देखा कि अगर वो प्राइस डिक्रीज करती है तो पूरी मार्केट डिमांड उसके पास चली जाएगी एंड सिंस दैट्स अ स्मॉल बायर वो पूरी मार्केट डिमांड को कंप्लीट नहीं कर सकता है पूरी मार्केट डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता सो दैट्स वाई वो प्राइस को डिक्रीज़ नहीं करता है एंड अदर थिंग अगर वो प्राइस को इंक्रीज करता है सो वी हैव होमोजीनियस प्रोडक्ट सब अगर सेवन पर डे ले रहे हैं और एक जो है वो नाइन हंड्रेड पर डे ले रहा है वी हैव होमोजीनियस प्रोडक्ट हमें फ़र्क नहीं पड़ता हु इज कमिंग टू सर्व एट आर होम कौन हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है वी डोंट बॉर्डर अबाउट दैट जस्ट वी बॉर्डर अबाउट डैट के मच वी आर पेइंग फॉर पर डे सो 900 को कौन पे करेगा कोई नहीं पे करेगा तो उसका जो डिमांड होगा जो उसका डिमांड रहेगा क्वांटिटी का वो एकदम से जीरो हो जाएगा वो डिक्रीज भी नहीं होगा बल्कि वो एकदम से ज़ीरो हो जाएगा नो वन गोना डिमांड बिकॉज देर आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स इन मार्केट ओके सो इसका ऑप्शन जो है वो ए इज द राइट आंसर मूविंग अप टू नेक्स्ट अ फॉर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में देर आर ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन इज द ट्रू और फॉल्स सो दिस दिस इज ट्रू एज आंसर इज ऑल्सो रिटर्न वॉट इज द रीजन फॉर दिस बींग ट्रू जो मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको रीजन समझाया था द सेम लॉजिक अप्लाइज हेयर दैट अगर आपका ए आर इज ग्रेटर देन ए सी ओके योर ए आर इज ग्रेटर देन ए सी सिंस वी हैव फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट बट खैर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जितना एंट्री एग्जिट ईजी होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में एंट्री एग्जिट उतना ईजी नहीं होता है बट सिंस इट वन ऑफ द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज फ्री एंट्री एंड एक्जिट एंड वेन योर देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट सींग दैट दैट एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन एवरेज कॉस्ट और फर्म्स एंटर होंगी ठीक है तो फर्म्स जब एंटर होंगी तो नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो जाएगा सॉरी हाँ नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ सेलर इंक्रीज होने से क्या होगा जो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट है दैट विल बी वैनिश एक्स्ट्रा प्रॉफिट वैनिश हो जाएगा एंड योर एआर विल बी इक्वल टू एसी दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट ओके एंड सिमिलरली इन द केस जब आपका शॉर्ट रन में जब आपको ए आर लेस देन ए सी होगा सॉरी आई डोंट रिमेंबर मैंने आपको पहला कौन सा केस पढ़ाया है ए आर लेस देन ए सी होगा मीन्स आपका एवरेज कॉस्ट ज्यादा है एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा तो पीपल विल एग्जिट द मार्केट जब लोग एग्जिट करेंगे मार्केट को तो जो आपका एवरेज कॉस्ट ज्यादा है वो अब डिक्रीज होगा और वो ए आर के इक्वल हो जाएगा तब तक लोग एग्जिट करेंगे जब तक ए आर इज इक्वल टू ए सी ना हो जाए एंड दिस इज योर लॉन्ग रन प्रॉफिट इन Monopolistic competition. So the same logic applies that the logic we have applied for the perfect competition, that uh, AR is equal to AC in long run, and this is your normal profit. So long run, may we have normal profits? So statement is true. Coming up to next question, question number ten. Okay, so the question is, price exceed MC under monopoly, but not under perfect competition. ओके सो प्राइस क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ए आर होता है प्राइस पिछले वीडियो में कैसे ए आर इज इक्वल्स टू योर टी आर टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाई क्वांटिटी 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 कैंसल आउट एंड दिस पी इज लेफ्ट सो ए आर इज इक्वल टू पी दिस इज सो इन मनोपली योर ए आर एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट बट नॉट अंडफेक्ट कॉम्पिटिशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट को दिस इज नॉट अ सेटिस्फाइड कंडीशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं होता अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा क्यों नहीं होता तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक पॉइंट आगे सोचना पड़ेगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर इक्वलिब्रियम कब होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है वेन योर एम आर इज इक्वल टू एम सी फॉर एवरी मार्केट वैन यूर एम आर इज इक्वल टू एम सी इज योर प्रोड्यूसर इक्वलिप्रियम मीन्स फॉर मोनोपली फॉर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एम आर इज इक्वल टू एम सी इज प्रोड्यूसर इक्वलिप्रियम बियॉन्ड दिस पॉइंट प्रोड्यूसर जो है वो आ, नहीं करता है बियॉन्ड दिस पॉइंट प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा बिकॉज लॉसेस शुरू हो जाएंगे सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड कब इस तरह से होता है दिस इज योर ए आर कर्फ इज इक्वल टू एम आर कर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा होता है दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर का ए आर इज इक्वल टू एम आर एआर ए आर इज इक्वल टू एम आर एंड एम आर इज इक्वल टू एम सी सो विच एम्प्लाइज दैट ए आर इज इक्वल टू एम सी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अप्लाइड आपका ए आर इज इक्वल टू एम सी आता है जबकि मनोपली में ए आर इज ग्रेटर देन एम आर ओके monopoly ar is greater than mr so mr is equals to mc by producer equilibrium so ar is greater than mc this is true got it price exceed uh, price exceed mc under monopoly but under perfect competition it doesn't exceed so this is true statement Coming up to the next question, MR is less than AR under which form of market? Your MR curve is less than AR curve under which form of market? Monopoly and monopolistic competition, monopoly, monopolistic competition, and perfect competition, none of the above. So, MR is your less than AR under monopoly and monopolistic competition, both, where you have downward sloping demand curve or downward sloping price curve. This is your uh, AR curve in monopolistic, right? So, this is your MR curve, okay? बोथ कर्व्स आर कंपेरेटिवली फ्लैटर अगर हम मोनोपली में जाएंगे तो स्टीपर ए आर कर्व एंड अ स्टीपर एम आर कर्व ओके नाव ए आर और एम आर का रिलेशन होता है ये कि बोथ आर फॉलिंग जब ए आर फॉल करेगा एम भी फॉल करेगा पर एम जो है वो ए से ज़्यादा फॉल करेगा तो एम जब ए से ज़्यादा फॉल करें तो ए जो है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा दिस इज़ नॉट ऑनली द रिलेशनशिप बिटवीन एम आर एंड ए मार्जिनल और एवरेज में कहीं भी रिलेशन होगा योर मार्जिनल प्रोडक्ट योर एवरेज योर मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट देन योर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट देन योर मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल और एवरेज में जो रिलेशन होगा वो ऐसा ही होगा किफ़ मार्जिनल इज इफ़ एवरेज इज़ इंक्रीजिंग मार्जिनल विल आल्सो इंक्रीज और मार्जिनल एवरेज से भी ज्यादा इंक्रीज करेगा इफ एवरेज इज डिक्रीजिंग मार्जिनल विल आल्सो डिक्रीज और मार्जिनल एवरेज से भी ज्यादा डिक्रीज करेगा मींस मार्जिनल जो है इज अ कॉपिक एट ऑफ एवरेज एवरेज डिक्रीज करेगा मार्जिनल भी डिक्रीज करेगा और मार्जिनल एवरेज से ज्यादा डिक्रीज करेगा एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा डिक्रीज करेगा सो दैट्स वाई मार्जिनल रेवेन्यू विल भी लेस देन एवरेज रेवेन्यू ओके एंड इफ एवरेज रेवेन्यू विल इंक्रीज नो डाउट एवरेज रेवेन्यू हमारा इंक्रीज नहीं करता है फॉर्म एवरेज रेवन्यू डिक्रीज ही करता है मान लो एवरेज प्रोडक्ट विल इंक्रीज तो मार्जिनल प्रोडक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज और एवरेज प्रोडक्ट से भी ज्यादा इंक्रीज करेगा सो मार्जिनल इज कॉपी कैट फॉर एवरेज ओके सो दिस है क्वेश्चन नंबर टेन एम आर इज इक्वल टू ए आर अंडर विच फॉर्म ऑफ मार्केट सो एम आर इज इक्वल टू ए आर अंडर क्या होता है प्राइस है तो एक यूनिट बिका आपका दस पे सेकेंड यूनिट बिका ट्वेंटी पे थर्ड यूनिट बिका सेकेंड यूनिट का रेवेन्यू यूर टोटल रेवेन्यू इज दिस सॉरी प्राइज इज टेन कॉन्सटेंट टोटल तो आया आपका थर्टी सो so, अब मार्जिनल रेवेन्यू ट्वेंटी माइनस फर्स्ट का तो कुछ नहीं होता है ट्वेंटी माइनस टेन टेन ट्वेंटी माइनस थर्टी थर्टी माइनस ट्वेंटी अगेन टेन अगर आपका फोर्थ यूनिट चार यूनिट्स बेचने पे एवरी रेवेन्यू है फोर्टी तो फोर्टी माइनस थर्टी अगेन टेन सो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ कॉन्स्टेंट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ए आर विच इज़ योर प्राइस दिस इज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सो इन परफेक्ट इफेक्ट कॉम्पिटिशन एम आर इज इक्वल टू ए आर एंड अगर प्रोड्यूसर इक्विबियम कंडीशन लग रहा है तो एम आर इज इक्वल टू ए आर एंड विच इज़ इक्वल्स टू

पे हमें करना है मोनोपली मोनोपली का कैसा कंट्रोल ओवर प्राइस रहता है पार्शियल कंट्रोल प्राइस नो कंट्रोल प्राइस पार्शियल कंट्रोल प्राइस और फुल कंट्रोल ओवर प्राइस सो इन मोनोपली वी है प्राइस के साथ कौन सा चलेगा हमारा डी वन के साथ डी वी हैव इन टू ऑप्शन सी एंड डी नेक्स्ट चेक सेकेंड के साथ कौन सा चलेगा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है तो वो ओनर है वो कोई भी प्राइस सेट कर सकता है बट बिकॉज ऑफ लो वी हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस सो टू के साथ वी विल हैव ए सो सेकंड के साथ ए और सी यू कैन गो विध बोथ बिकॉज बोथ हैव पार्शियल कंट्रोल ए और सी सो सेकंड के साथ सी इज विथ पार्ट सी सो पार्ट सी इज राइट आंसर वॉट इज द थर्ड Uh, perfect competition. We have no control over price third case You will go with B part and oligopoly again. There is a partial control over price because of high interdependence again in a so option C is the right answer. Monopoly have full control over price monopolistic competition have partial control over price perfect competition have no control over price and oligopoly again have partial control over price. Okay. Coming up to the last question of uh, this. आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप टू द लास्ट क्वेश्चन सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स टेकर्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं वो प्राइज मेकर्स नहीं होती क्यों ईच फॉर्म इज वेरी लार्ज नो फॉर्म तो स्मॉल होती है देर आर नो क्लो दोट्यूट फॉर देर गुड्स देर आर दे आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं सब्सटीट्यूट्स देर होमोजीनियस सेम प्रोडक्ट्स मेनी अदर फॉर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स दे आर हैव होमोजिनीस प्रोडक्ट्स सो प्राइस डिटमिन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज अ राइट ऑप्शन बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का दिस इज इंडस्ट्री डिमांड कर्व एंड इंडस्ट्री सप्लाई कर्व दिस इज प्राइज सेटेड बाई द इंडस्ट्री एंड दिस प्राइज इज कंटिन्यूटेड एज अ डिमांड कव इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड दिस प्राइज इज एक्सेप्टेड एंड दिस प्राइज पे आप कितना भी डिमांड कर लो दिस प्राइज डजेंट चेंज दिस प्राइज इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द इंडस्ट्री ओके सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइज टेकर बिकॉज प्राइज इज डिटर्मिन बाई द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सो हेयर हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट पर एम सी क्यूज कम्प्लीट होता है एम सी क्यू नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट विल बी ऑन प्रोडक्शन फंक्शन विल टेक अप विद एम सी क्यूज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड इफ एनी थिंग यू डिन गेट इट कमेंट इड डाउन एंड वी विल गेट इट ओके विल गेट इट टू यू एंड थैंक यू स्टेट यूट विद विंगज इट को डन